2-3 डेज से, आई थिंक 4 डेज से प्रॉपरली वीडियोज नहीं आ रही थी। कुछ एक वीडियोज आई बीच में जो कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही थी, शेड्यूल करके छोड़ा हुआ था, तो इसलिए कोई लेटेस्ट मार्केट रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मार्केट में करेक्शन भी हुआ, गिरावट भी हुई, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं आ पाई। इसका रीजन यही था, फैमिली फंक्शन के कारण घर से बाहर था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, एंड उतना ज़्यादा वहाँ पे मार्केट वॉच भी मैं नहीं कर रहा था, तो जो वीडियोस दिखी वो प्री रिकॉर्डेड ही थी। चलो आज बात करते हैं जो मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, लमसम किया आपने नहीं किया, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगले मूव के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मार्केट है वो घूम रही है ऊपर नीचे, एंड 17,300 के लेवल पे ही ऊपर नीचे करके आ रही है, और काफ़ी यहाँ पे रुकी हुई है। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं तो 18,100 से लेकर और 17,299 यही रेंज रहा है पिछले 1 महीने में, हाई लो का, निफ्टी 50 का। तो जैसा कि यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाई थी पहले, तो उसके अंदर मैंने सबको बताया था कि जो लास्ट इन्वेस्टमेंट था वो 18,000 के लेवल पे था एंड 17,800 के लेवल पर था। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वहाँ पे कई लोगों ने ऊपर किया थोड़ा इन्वेस्टमेंट, कई लोगों ने थोड़ा नीचे किया इन्वेस्टमेंट। तो अगर वहाँ से हम कैलकुलेट करें, तो अगर 18,000 के लेवल पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ से 700 डाउन पॉइंट्स मिल गया हमें, अगर 17,800 पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ से भी 500 पॉइंट डाउन मिल गया। तो हमेशा मैं भी कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं देखना समझना किसी को, तो निफ्टी 50 को ट्रैक करो, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो, और 500 पर पॉइंट के हर गिरावट पे थोड़ा बहुत पैसा डालते जाओ। तो यहाँ पे दोनों ही क्राइटेरिया जो हमारे हैं वो पूरे कर दिए गए थे, किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, 18,000 में किया हो तो भी, 17,800 पे किया हो तो भी, क्योंकि 17,300 पे मार्केट अभी भी यहीं पे रुकी हुई है। तो अगेन मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन मैं बहुत, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बिजी था और मार्केट देखने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। बट जिन लोगों ने किया है कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ 500 से 800 पॉइंट तक का आपको गैप यहाँ पे देखने को मिल गया है। मैं 1-2 दिन में मार्केट के सिचुएशन देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अपना भी एक टॉप अप जरूर करूंगा। इसके बाद चलो आगे की अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो 17,300 पे मार्केट है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बनेंगे लालची और थोड़ा सा पेशेंस भी रखेंगे कि अगला जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है 16,500 के आसपास में ही करेंगे, मतलब 500 और 600, थोड़ा सा 100 पॉइंट्स का बफर रखेंगे। अगला जो लमसम इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ से 600-700 पॉइंट नीचे जाएगा, 16,500 टू 16,600 के बीच में मार्केट आएगी, 650 भी हो जाती है, तो मतलब थोड़ा सा बफर रख के, लेकिन लेवल वही रखना है, इसी के आसपास में इन्वेस्टमेंट करनी है। बीच में 17,000 के लेवल आएंगे या 17,900 होगा, 800 होगा, पेशेंस के साथ वेट करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालने, आराम से इंतजार करना है। हमेशा बताता हूँ, लमसम किया मार्केट नीचे आई और मौका मिलेगा लमसम करने का, ऊपर चले गई तो जो किया हुआ है उसमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी करके पैसे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि SIP हमारी ऑलरेडी चलती रहती है। तो अगर एक ही लेवल में मार्केट 1-2-3 महीने तक है तो SIP वाला पैसा तो ऑलरेडी उसमें अंदर जा रहा है उस लेवल पे, तो उसी लेवल पे फिर लमसम करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। कुछ एक क्वेश्चन और भी मैंने देखे कमेंट्स में थे कि मैंने कुछ दिन पहले लमसम किया है, अभी फिर कर दूँ? नहीं, नहीं करना है वैसा। हमें नंबर्स को हमेशा ध्यान में ही, या तो अपना लेवल चार्ट पे लेवल को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करो, या फिर अपना नंबर फिक्स कर लिया कि हाँ 18,000 पे किया, 17,500 पे किया, 17 पे करेंगे, या फिर 17,800 पे किया, 17,300 पे किया, 16,600 पे करेंगे। नंबर अपना माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना है, और जब उस पॉइंट पे आएगी निफ्टी 50 तो उस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं आएगी नहीं करेंगे, आराम से इंजॉय करेंगे बैठ के, ठीक है। अगर नहीं आएगी इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट वहीं पर स्टेबल है या तो ऊपर जा रही है, और अगर नीचे आएगी तो हमारा लेवल आ ही जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ना पैनिक बाइंग करनी है, ना पैनिक सेलिंग करनी है, हमेशा बताता हूँ। तो लेवल्स यही रहने वाले हैं मेरे लिए। आप लोगों में से जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है 17,300 के लेवल पे, कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छा किया है, क्योंकि ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका था मार्केट, तो यहाँ पे एक टॉपअप बनता था। अब बात आती है जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया
वो लोग डेफिनेटली अगर कल रहता है इसी लेवल पे, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो फिर नहीं, कल अगर गैप अप खुल जाता है या खुलते ऊपर की तरफ भागने लगता है, मतलब लाइक आपको 11-12 बजे तक मार्केट का मूड दिखता है कि ऊपर जा सकता है तो फिर नहीं करना है, और अगर दिखता है कि नीचे जा सकता है तो फिर कर देना है, या फिर इसी लेवल 200-300 के लेवल पे भी रहता है तो भी चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा।